राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे, उनके जीवन अच्छे से चल रही थी, जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब भी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है। हाय दया, राशि तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है, अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की, उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है, पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है। और दुखी मन से गांव के एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोली से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी, और यह जादुई है इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है, यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुप कर देखने लगती है। वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तू? क्या हुआ पायल, इसे हाँक क्यों रही हो?
ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है और जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। मंगलू की प्यास। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है, चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा भोजन पकाने के काम में भी आ जाएगा। हाँ चलो चलता हूँ। यह सोचता हुआ वो और आगे बढ़ा। आगे चलने पर उसे पीतल का कटोरा भी मिल गया। अब उसके मन में और भी उम्मीद जागी। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद चांदी का कटोरा भी मिल जाए। वो काफी चल चुका था। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर भी मन बार बार यही कहता कि उसे चांदी का कटोरा जरूर मिलेगी। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और आगे चलने लगा। वो थोड़ी ही दूर चलता कि उसे आगे एक चांदी का चमकती हुई कटोरा दिखा। वो बोला, वाह आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। उसने लपक कर उस चांदी के कटोरे को उठा ली। वो वापस नदी की ओर जाने ही वाला था कि उसके मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, शायद थोड़ा ढूंढने पर मुझे सोने का कटोरा भी मिल जाए। प्यास के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक डंडा उठाया और उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। काफी दूर चलने पर उसे सोने का कटोरा भी मिल गया। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मंगलू ने झुककर सोने का कटोरा उठा लिया। उसकी तलाश खत्म हो गई थी। अब वो वापस नदी की ओर चलने लगा, परंतु नदी तो बहुत पीछे छूट गई थी। चलते चलते उसकी कदम लड़खड़ाने लगे। हाथ से डंडी भी छूट गई। वो गिर गया, पर सोने का कटोरा अब भी उसके हाथ में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कलकल बहती नदी हंसी
और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।